आदित्यपुर पुलिस ने क्षेत्र में हुए हत्या और फायरिंग मामले का उद्भेदन करते हुए कुल 9 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां बीते बुधवार की रात कल्पनापुरी पहाड़ी मैदान के समीप हुए विवेक सिंह हत्याकांड और बीते रविवार को हुए जमीन कारोबारी रॉकी गालिंदी और उसके 3 वर्षीय बेटे पर हुए जानलेवा हमला मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इनमें 7 अपराध कर्मी विवेक हत्याकांड में शामिल थे और 2 अपराधी रॉकी कालिंदी और उसके बेटे पर फायरिंग मामले में शामिल था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मनीष टोपो ने बताया कि घटना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर मिले साक्ष्यों पर कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर बताइए, 14 तारीख रात की एक घटना घटी थी जिसमें रॉकी कालिंदी और उनके बेटे को अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दिया गया था और दोनों को गोली लगी थी। उसमें रॉकी कालिंदी की पत्नी के द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिसमें राजेश गोप, रवि मंडल, अजय टुडू और अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया था। उसमें आदित्यपुर थाना कांड संख्या 198/24, धारा 307, 34 भादवी और 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था। इस कांड में अजय टुडू जो प्राथमिकी अभियुक्त थे, उनको 20/6/2024 को ही गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाकी बचे लोगों के लिए लगातार पुलिस के द्वारा रेड और छापामारी जारी थी, जिसमें 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक राजेश गोप हैं जो शांति नगर गमहिया के रहने वाले हैं और एक साधन गोप हैं जो जूनीलोंग निमडी थाना के रहने वाले हैं। इनको आज रात गिरफ्तार किया गया और इनके पास से एक लोहे का देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 3 गोली खोखा, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार बरामद किया गया है। घटना का उद्देश्य क्या था? घटना का उद्देश्य था कि ये दोनों जमीन एवं स्क्रैप का कारोबार करते थे। उस जमीन और स्क्रैप के कारोबार के प्रतिद्वंदिता के चलते ही ये घटना घटी थी। एसपी ने कांड के उद्भेदन को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सराहना की। रात को एक घटना घटी थी जिसमें विवेक सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा अलग अलग जगह पर छापेमारी करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुशांत सिंह देव उर्फ टुन्ना सिंह, सोनू वर्मा उर्फ सोनू बच्चा, दुशासन महतो, जयप्रकाश महतो, सूरज तांती, राजेंद्र महंत उर्फ राजन जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और मान सिंह मुर्मू, सातों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से हम लोग को देसी पिस्टल 3 पीस, देसी कट्टा 2 पीस, 7.6 mm का जिंदा गोली 8 पीस, 8 mm का जिंदा गोली 6 पीस, बोतल बम 2 पीस, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल 2 और एक मोबाइल जब्त किया गया है। इन लोगों का पहले से भी आपराधिक इतिहास है, जैसे सुशांत सिंह देव उर्फ टुन्ना सिंह के ऊपर पहले से 6 केस दर्ज हैं अलग अलग थानों में। सोनू वर्मा उर्फ बच्चा, उसके ऊपर 7 केस दर्ज हैं। सूरज ताती के ऊपर 3 केस दर्ज हैं। दुशासन महतो के ऊपर 2 केस दर्ज हैं। बाकी कुछ और अपराधकर्मी हैं इसमें शामिल, जिनकी तलाश जारी है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या करने का पीछे का राज क्या था? ये भी जो है स्क्रैप कारोबार से जुड़ा है। 2 गैंग की घटना है, इसमें एक गैंग के द्वारा दूसरे गैंग के लोगों को चिन्हित करके गोली चलाया जा रहा है उनके ऊपर। और भी व्यक्ति इस घटना में शामिल है? हाँ, और भी 3-4 लोगों का नाम आया है और जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे।
विवेक भी पहले किसी घटना में शामिल है? उनका घटना में शामिल होने का कोई ये नहीं है, लेकिन जिनके साथ उनके नाम जुड़े होने की बात आ रही है, टारगेट किसी और को किया जाना था, उसके विवेक टारगेट हो गया है। विवेक का क्या कारोबार हुआ करता? विवेक का क्या था, वो किसी गाड़ी चलाता था ना, किसी की गाड़ी चलाता था। ये लोगों, सात लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी हुई है आदित्यपुर थाना क्षेत्र से ही हुई है, और खरसावां थाना क्षेत्र से।